कुछ दिन पहले स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत 10,000 लोन लेकर खुद का रोजगार खोलने के लिए स्ट्रीट वेंडरों को लोन देने की योजना के बारे में चर्चा की गई थी। स्ट्रीट वेंडरों ने बताया कि यह योजना डूबते को तिनके का सहारा की तरह है, तो दूसरी तरफ आज हमने नगर निगम जाकर लोगों से बातचीत की कि उन्हें 10,000 लोन दिए जा रहे हैं, उन्हें आसानी से मिल रहे हैं या फिर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लोगों ने बताया कि बैंक वाले आए दिन चक्कर लगवाते हैं, कभी किसी बात के लिए टाल देते हैं तो कभी किसी डॉक्यूमेंट के लिए। अनीता सिंह, अनीता जी, आप यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर के फॉर्म फिल करने के लिए आए हैं, क्या बड़ी क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत इसमें ये आ रही है मैम, इसमें जो पोर्टल की फोटो कॉपी है इसमें अनीता सिंह की जगह अनीता देवी कर दिया है और हस्बैंड का नाम कर दिया सतीश कुमार। मैं यहाँ पर चेंज कराने आई हूँ, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ तो लिख के दे दो, क्योंकि बैंक वाले मानने को तैयार नहीं है। बैंक कहती है नगर निगम जाओ, नगर निगम कहता है बैंक जाओ, चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए हैं। काफी दिन हो गए, 4-5 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं, लगातार रेगुलर आ रहे हैं। यहाँ से कहते थे हम नहीं करेंगे, वहाँ से कहते थे हम नहीं करेंगे, यहाँ कहते हैं जी एफिडेविट लगाओ, अब वो वहाँ कहते हैं कि एफिडेविट नहीं मानेंगे, तो हम क्या करें? अब ऐसी स्थिति में हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं। पहले इसका नाम था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अभी वो चेंज हो गए, पंजाब नेशनल बैंक हो गया है, तो वहाँ पे मेरा खाता है, तो एफिडेविट एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। मेरा नाम प्रभात कुमार है। प्रभात जी, आपकी क्या समस्या आ रही है? मेरी समस्या ये है कि जो मेरा लोन पास हुआ है वो अप्रूव हो चुका है, मेरे बैंक में ट्रांसफर भी हो चुका है। जिस बैंक में मेरा ट्रांसफर हुआ उसका नाम आंध्रा बैंक है, आंध्रा बैंक मर्ज हो गई, यूनियन बैंक हो गई है, वहाँ पर मेरा फॉर्म भी आ गया है, मेरे को एड्रेस दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से, प्लाजा होटल ताजनगरी में फतेहाबाद रोड पे बनी है, वो लोग के पास जा रहे हैं, मेरा जो फॉर्म है उन्होंने रिजेक्ट फाइल में डाल दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास यूनियन बैंक का डाटा नहीं है। अभी इसकी हमारी प्रॉब्लम है नहीं, ये प्रॉब्लम किसकी है? जिसने मर्ज किया है उसको देखना है। अब हम गरीब लोग, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम इतने 9 महीने से बेरोजगार पड़े, सरकार ने हमें पैसा दिया उसको हम रोजगार खोलने के लिए लगे, लेकिन बैंक इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार क्यों कर रही है, क्यों परेशान कर रही है हमें? हमारे उनकी क्या जेब से जा रहा पैसा जो अपनी जेब से दे रहे हैं? सरकार हमारे गरीबों की सहायता कर रही है तो उनको क्या दिक्कत आ रही है, आप बताइए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।